ये जो सैमसंग का इन्वर्टर फ्रिज का है और ये ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम पहले चेक करेंगे। और चेक करने के लिए पहले हम डिजिटल मीटर से इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने से पहले आईजीबीटी कैसे चेक कर लेते हैं वो देख लेते हैं। तो आप नीचे देखते रहिए, ये वाले मीटर में सबसे पहले हम कंटिन्यूटी रेंज में रख लेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि कहीं चार्ज ना हो कैपेसिटर, अगर चेक किए हैं तो उसको डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। पहले हम निगेटिव पॉइंट पर रख करके ये जो आर वाई बी या यू बी डब्ल्यू बोलते हैं, इस पर क्रमशः ऐसे चेक करेंगे तो रीडिंग कुछ भी नहीं आनी चाहिए। ये वाला पोर्ट को हम अब निगेटिव पोर्ट पे यानी पॉजिटिव वाले पे रखेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे चेक करेंगे तो भी हमें कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसको हम बदल करके चेक करेंगे ऐसे तो हमें रीडिंग और आनी चाहिए, और सब पे एक समान आनी चाहिए। और इधर से भी चेक करेंगे तो भी समान आनी चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि अंदर साइड में जो आईजीबीटी होती है उसके जो डायोड होते हैं उसका यहाँ पे चेक कर, मतलब अंदर साइड में है उसको चेक करने का तरीका यही है। दूसरा चीज, आपस में इसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे शॉर्टिंग किसी में नहीं है, यानी ये सही है। अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमें पावर ऑन करना पड़ेगा, और ये बोर्ड बंद है तो इसमें 15 वोल्ट और 5 वोल्ट बनता है। तो सबसे पहले जब हम पावर ऑन कराएंगे इसको, तो हमें कैपेसिटर पे, मेन कैपेसिटर पे यहाँ पे और यहाँ पे हमें सप्लाई आ जानी चाहिए। यहाँ पे डीसी सप्लाई हमें मिलनी चाहिए, किसी भी हालत में यहाँ पे हमको सप्लाई चाहिए ही चाहिए। ये वाला अगर ये नहीं आएगी, यहाँ पे आ गई, अगर नहीं आती है तो उस कंडीशन में आपका ये भी ख़राब हो सकता है, फ्यूज भी ओपन हो सकता है और ये भी। तो ये इतना तो नॉर्मल रहता है। अगर ये सब जानकारी आपको नहीं है तो हमारे चैनल पे बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा, जिसमें हर एक पार्ट की जानकारी आपको मिलेगी, फिर इसके बाद आप काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब हमारा ये यहाँ पे बक कन्वर्टर लगा हुआ है, उसके ज़रिए यहाँ पे 15 वोल्ट बनता है। तो 15 वोल्ट की पॉइंट यहाँ पे है, तो हम इसको ग्राउंड पे रखते हैं। ये मीटर को हम ग्राउंड पे कर लिया, ये ग्राउंड है, और ये हमारा 15 वोल्ट इस डायोड के पास में बनना चाहिए। तो यहाँ पे 15 वोल्ट बन रहा है, और यहाँ पे एक रेगुलेटर है 5 वोल्ट का, और इस तरफ 5 वोल्ट आउट होना चाहिए, लेकिन 5 वोल्ट आउट नहीं हो रहा है। और जब 5 वोल्ट आउट नहीं हो रहा है तो ये 5 वोल्ट इसको आईसी को, माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए है, लेकिन ये बन नहीं रहा है। और यह हीट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हीट होने का मतलब है कि इसके ऊपर ओवरलोड है, यानी कहीं पे शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग सबसे पहले हम इसको कहीं से जो जा रही है सप्लाई, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा। तो दो ऑप्शन है, एक तो माइक्रो कंट्रोलर का अगर शॉर्ट रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि दूसरे पीसीबी से ही मिल सकता है। तो ये वाले ट्रैक इस तरफ भी गया है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये जो सप्लाई गई है, तो इस तरफ जो रेजिस्टेंस लगा है एक जीरो लगा हुआ है, जीरो का, तो ये तो ब्लास्ट कर जाता है अगर जो इतना लोड होता है। हमारी शॉर्टिंग इसी तरफ अब जहाँ भी होगी इसी में होगी। तो हम अब क्रमशः एक एक चेक करते हैं। थोड़ा मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ क्योंकि मैं पसीना से भीगने लगा, और पंखा जब भी चलता है तो साउंड आने लगता है ज़्यादा। तो मैं पहले इसको ओपन करूँगा और देखते हैं कि शॉर्टिंग है किसमें। तो एक तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए अंदर गया, दूसरा यहाँ पे कैपेसिटर है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये रहेगा। तो इसमें ये है कि इसका माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट है,
अब इसलिए शॉर्ट है कि ये 5 वोल्ट की सप्लाई इसमें से यहाँ पे इंटर हुई थी, जो यहाँ पे मैं कट लगा दिया तो अभी पावर सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट हो गई। ये जबकि यहाँ भी आई थी तो मैंने इसको ओपन किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और जब यहाँ से कटिंग कर दिया हूँ तो सही हो गई। यानी ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है। ट्रैक कट करने का मतलब यही रहता है, मेन मकसद। अभी मैंने यहाँ पे कट किया तो देखिए आसानी से जॉइंट हो गया। और यहाँ पे अभी इस आईसी को हम निकाल करके अगर जो चेक करना चाहें तो संभव नहीं है। इसके लिए बहुत बारीक आप कट लगाइए और आसानी से चेक कर सकते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। दूसरा चीज़, मेरे पास इसमें का बोर्ड पड़े रहते हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ इसके लिए। तो अभी ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई है ये देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे इंटर हुई है, तो यहाँ पे आने के बाद ये देखिए यहाँ से फिर ये निकल करके कैपेसिटर पे आया। तो अगर कैपेसिटर ये शॉर्ट रहेगा तो भी ये कंडीशन बनेगी। तो ये ओपन करके मैंने इसका देख लिया तो सब मिला करके हमारा माइक्रो कंट्रोलर ही ख़राब है। इसका मैंने माइक्रो कंट्रोलर अभी ओपन करके इधर सोल्ड कर दिया हूँ। अब मुझे लगता है कि इसका माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है क्योंकि ये ब्लास्ट करके जला था। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसका माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर एक बार बिठा करके देखने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ उस माइक्रो कंट्रोलर को। अभी इसकी आईसी मैंने रिमूव कर दिया है, निकाल दिया, और ये वाली आईसी अभी इसके अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आईसी इंस्टॉल कर दिया और अब इसको चालू करके एक बार देख लेते हैं। इसको मैं चालू करता हूँ, लेकिन इसमें अब एक समस्या रहेगी, अगर ये डबल बोर्ड का रहेगा तो नहीं चलेगा, और ये सिंगल का एक तो था 100%, क्योंकि इसके साथ में यही आया था। तो अब इसका डबल बोर्ड पे लगा के देख लेते हैं कि चल रहा है क्या। जहाँ पे मैंने डबल डोर का जो रहता है वो मैं लगा दिया हूँ, सर्किट वही है, आप देख लीजिए, ऐसा ना समझिएगा कि मैं गलत बता रहा हूँ। और मैं कनेक्शन कर दिया हूँ और इसको चालू भी कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा। और उधर कंप्रेसर चलने लगा, कंप्रेसर आवाज़ सुन सकते हैं। इधर देखिए, ठीक है। तो यही बात पड़ती है कि ये सिंगल हो चाहे डबल हो, इससे नहीं मालूम पड़ता है, आज तक मुझे नहीं समझ में आया। तो ये माइक्रो कंट्रोलर तो हमारा बराबर इसमें मैच कर गया, लेकिन ये सिंगल डोर का पीसीबी तो सिंगल डोर की थी, लेकिन अभी डबल डोर का माइक्रो कंट्रोलर लग गया। तो अभी एक इशू होगा कि अभी इसमें लगाते समय अब मुझे यहाँ पे एक अलग से वो सिस्टम बना के बिठाना पड़ेगा जिसके वजह से चलेगा। तो चलिए, अभी जैसा भी करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।